नमस्कार, मैं प्रज्ञा, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की शुरुआत कर दी है, यानी अब सूचना अधिकारी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के लिए आपको पोर्टल पर जाना होगा, इसके बाद मांगी जा रही सूचना का फॉर्म भरना होगा, अंत में 10 रुपए का शुल्क ऑनलाइन पे करना होगा। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल सेकुलर के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि कर्नाटक में सत्ता में लौटने पर उनकी पार्टी जेडीएस किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। यह भी ऐलान किया है कि वह महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यक नेताओं में से उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार करेगी। चीन में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले से स्थिति एक बार फिर गंभीर हो गई है। राजधानी बीजिंग में कोरोना लॉकडाउन के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बीजिंग में मंगलवार को कोरोना के नए मामले में बढ़ोतरी के साथ 2 और लोगों की मौत की सूचना दी गई है। 1 नवंबर के बाद से देश भर में कुल 2,53,000 लोगों के संक्रमित होने की सूचना मिली है। 1990 में वायुसेना के अधिकारियों की हत्या के मामले में आज अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू की टाडा कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की जम्मू के टाडा कोर्ट में खुद पेश होने की अनुमति मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। सीबीआई ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, इसलिए यासीन मलिक को खुद पेश होने की इजाजत नहीं दी जाए। शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात करने बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं। इधर इस मुलाकात को लेकर बिहार भाजपा की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव पर जोरदार तंज किया गया है। इस मुलाकात को लेकर कहा गया है कि यदि आज बाला साहेब ठाकरे यदि जिंदा होते तो बेहद दुखी होते। दरअसल आदित्य ठाकरे भी तेजस्वी से मिलकर भ्रष्टाचार का गुण सीखना चाहते हैं, इसलिए ये यहाँ आ रहे हैं। एक दुर्घटना में माँ बाप और 4 साल के मासूम भाई की मौत के बाद 7 लड़कियों की बेबसी और लाचारी की खबर फैली तो हजारों लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे किए। इस खबर के बाद 2 दिन में 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। वहीं इस दौरान रुपए इकट्ठा होते हुए देख कुछ ठग भी सक्रिय हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर ठगी के खेल को अंजाम दे दिया। ठगों ने पोस्ट में अपने नंबर डाल दिए, जिसके बाद कई लोगों ने मदद के पैसे ठगों के खातों में डाल दिया। यह मामला जब तक खुला तब तक लाखों रुपए ठगों के खाते में जा चुके थे। वहीं ठगी के इस मामले में बाड़मेर पुलिस ने एक आरोपी ठग को गिरफ्तार किया है। देश भर में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी आज रात 9 बजे से मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली है। प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे भी होंगे। प्रियंका यात्रा में 2 दिन तक रहेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज वाली वीडियो के बाद एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें सत्येंद्र जैन होटल जैसा खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। तिहाड़ जेल के सूत्रों से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में उचित भोजन मिलता दिख रहा है। वह वीडियो में भरपूर खाना खाते दिख रहे हैं, जबकि उनके वकील ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन को उचित भोजन नहीं मिल रहा है। बिहार के रहने वाले 22 साल के आदर्श कुमार और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई करेंगे। आदर्श कुमार 2018 से दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया करते थे। बता दें कि आदर्श कुमार उन लाखों लोगों में से शामिल थे जो इस साल अगस्त में सीयूईटी के लिए उपस्थित हुए और जेएनयू में स्नातक की डिग्री के लिए प्रवेश पाने में सफल रहे हैं, और अब वो अपना जीवन संवारने के सफर की शुरुआत कर चुके हैं। अबू धाबी T10 लीग आज से शुरू हो रही है। 10-10 ओवर के मैचों की इस लीग का यह 6ठा संस्करण है। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग स्टेज में सभी टीमें एक दूसरे के साथ एक एक मुकाबला खेलेंगी। टॉप 4 टीमें प्लेऑफ में भिड़ेंगी। फाइनल मुकाबला 4 दिसंबर को खेला जाएगा, यानी अगले 12 दिन में कुल 33 धमाकेदार मैच होंगे। पश्चिम बंगाल में सीवी आनंद बोस ने राज्यपाल के रूप में बुधवार को शपथ ग्रहण की। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को बधाई देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं और बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजमुदार राजभवन में शपथ समारोह के लिए पहुंचे थे, लेकिन हमें दरवाजे से लौटना पड़ा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह किचन में बर्तन साफ करते नजर आ रहे हैं। वहीं अनुष्का शर्मा इस दौरान विराट को प्यार से पीछे से गले लगाते हुए नजर आ रही हैं। विराट और अनुष्का की यह प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। दोनों के फैंस को यह तस्वीर खूब पसंद आ रही है।
सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लाखों छात्र छात्राओं का बोर्ड परीक्षाओं के एक कार्यक्रम का इंतजार अब कभी भी समाप्त हो सकता है। सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होनी है, तो माना जा रहा है कि सीबीएसई 12वीं डेट सी 2023 को अब किसी भी समय जारी कर सकता है। दूसरी तरफ विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीबीएसई बोर्ड 12वीं डेट सी 2023 को इसी सप्ताह के दौरान जारी कर सकती है। हालांकि बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी अभी तक साझा नहीं की है। तेलंगाना के श्रम मंत्री सी मल्ला रेड्डी ने यहां अपने आवास और शैक्षणिक संस्थानों पर मारे गए छापों के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ आए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों पर उनके बेटे की पिटाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ ने मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा है, उसकी भावना आहत हुई है। उन्होंने मेरे बेटे के डॉक्टर को उसका इलाज नहीं करने दिया, वे मुझे भी उससे मिलने नहीं दे रहे हैं। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि इस माह के अंत यानी 30 नवंबर को है। हालांकि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ईपीएफओ के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट के अनुसार ईपीएस 95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक जानकारी सामने आई है, जिसमें श्रद्धा ने साल 2020 में मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके जरिए श्रद्धा ने लिखा था कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि करीब दो साल पहले आफताब की लिव इन पार्टनर ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक चिट्ठी दी थी। इस खत में श्रद्धा ने आफताब से अपनी जान का खतरा बताया था। मैसूर साम्राज्य के तत्कालीन शासक टीपू सुल्तान से जुड़ी एक किताब के वितरण और बिक्री पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि जिला वकफ बोर्ड समिति के पूर्व अध्यक्ष बीएस रिफोल्ला द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि पुस्तक में बिना किसी समर्थन या इतिहास के औचित्य के गलत जानकारी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तक में प्रयुक्त शब्द तुरुकरु मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी है। देश में मौजूद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे यूपीआई भुगतान ऐप अन्य ऐप पर जल्द ही लेन देन की सीमा को लिमिटेड किया जा सकता है, जिससे यूजर्स को अभी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन का मिलने वाला लाभ नहीं मिल पाएगा। यूपीआई डिजिटल पाइपलाइन का संचालन करने वाले भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम रिजर्व बैंक के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहा है, जिसके अनुसार इसके लागू किए जाने की समय सीमा को प्रस्तावित 31 दिसंबर से लागू किया जा सकता है। अक्टूबर 2022 में भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत की गई। इसके बाद अब चीन में 6G पर काम शुरू कर दिया गया है। चीनी कंपनी ZTE ने दावा किया है कि उसने 1 मिलियन गीगाबाइट्स के नेटवर्क स्पीड की खोज में 6G पर रिसर्च शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा है कि वह टेक्नोलॉजी में नया इनोवेशन चाहती है, हालांकि अभी इसका डेवलपमेंट अपने शुरुआती फेज में है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इस महीने के आखिरी में सिंगापुर जाने वाले हैं। इधर इससे पहले अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दिल्ली पहुंचकर लालू यादव से मुलाकात की है। इसके साथ ही लवली आनंद और चेतन आनंद ने भी लालू यादव से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि लोग लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले की स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे हैं। पिछले कुछ समय पहले खबर सामने आई कि एलन मस्क ने हजारों कर्मचारियों को ट्विटर से निकाल दिया था। अब मस्क का कहना है कि कंपनी में और छटनी नहीं की जाएगी। कर्मचारियों के साथ हाल ही में एक बैठक में मस्क ने कहा कि टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण हिस्सों को खरोंच कर दोबारा बनाने की आवश्यकता है। एलन ने आगे कहा कि जापान, भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील से इंजीनियरिंग टीमों को हायर करना एक अच्छा विचार होगा। हालांकि छटनी के दौरान मस्क ने लगभग 90% कार्यबल में कटौती की। एक्टर शरद केलकर और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत दोनों ने अपने टेलीविजन धारावाहिकों के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त की है। हाल ही में एक इंटरव्यू में शरद केलकर ने सुशांत सिंह को याद करते हुए कहा कि वह बेहतरीन युवा प्रतिभाओं में से एक थे। सुशांत ने टेलीविजन में कुछ बेहतरीन काम किया है, वह एक अच्छे एक्टर थे और फिल्मों में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। वह हमारे पास सबसे बेहतरीन युवा प्रतिभाओं में से एक थे। दुर्भाग्य से वह हमारे साथ नहीं है। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों के जबरदस्ती छटनी किए जाने को लेकर अमेजन इंडिया को समन भेजा है। मंत्रालय ने समन भेजकर बंगलुरु में डिप्टी लेबर कमिश्नर के सामने बुधवार को पेश होने के लिए कहा है। मंत्रालय ने अपने नोटिस में लिखा है कि आपसे अनुरोध किया जाता है कि सभी साक्ष्यों के साथ निजी तौर पर या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से इस तारीख और समय पर इस दफ्तर में अवश्य हाजिर हो। बता दें कि NITES ने अमेजन इंडिया पर श्रम कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मंत्रालय से इसकी शिकायत की थी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सुबह मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में पहले डर फैलाती है और फिर इसे हिंसा में बदल देती है। उन्होंने दावा किया है कि देश का उद्योग जगत, हवाई अड्डा और बंदरगाह केवल 3-4 उद्योगपतियों के हाथों में है और अब रेलवे भी उनके हाथों में जाने वाला है। मानव कंपनी एयर एशिया ने क्लाउड प्रौद्योगिकी कंपनी सुगर बॉक्स के साथ साझेदारी में उड़ान के दौरान अपने सभी विमानों के भीतर वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाना शुरू किया है। एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि इससे एयर एशिया इंडिया के जरिए यात्रा करने वाले लोगों को विमान से पहले से लगी प्रणाली के जरिए OTP ऐप से बफर मुक्त सामग्री के साथ ही वेब श्रृंखला के एपिसोड, लघु फिल्में और 1000 से अधिक भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्में देखने को मिलेगी। विकसित औद्योगिक देशों के संगठन का अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 2022-23 में G20 समूह में सऊदी अरब के बाद सबसे तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्था होगा। पेरिस स्थित संगठन OECD ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग नरम हो गई है और केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों को सख्त करते जा रहा है। इसके बावजूद भारत चालू वित्त वर्ष में G20 समूह के अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे नंबर की सबसे तीव्र वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। ये बात फारूक अब्दुल्ला ने खुद ही कही है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना समय की मांग है। अब्दुल्ला ने नई दिल्ली से PTI भाषा से कहा, जब वह लखनपुर पहुंचेंगे जहां से जम्मू कश्मीर शुरू होता है, तो मैं वहां जाऊंगा और राहुल गांधी के साथ चलूंगा। पहली बार उद्धव ठाकरे के लाडले आज बिहार आ रहे हैं और आज ही CBI ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत को लेकर अपनी नई रिपोर्ट पेश सामने आ गई है। CBI ने अपनी जांच रिपोर्ट में सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की हत्या किए जाने से इनकार किया है। CBI के अनुसार दिशा की मौत नशे के दौरान संतुलन खोने के कारण छत से गिरकर हुई थी। बता दें कि दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लगे थे कि जिस फ्लैट से दिशा नीचे गिरी थी वहां आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। बिहार में पंचायत उपचुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। घोषणा के मुताबिक इसके लिए मतदान 1 फरवरी से होगा। 2021 के बाद रिक्त हुए 2682 पदों के लिए पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। बता दें कि चुनाव को लेकर जनवरी में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 10 जनवरी के बाद इसके लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 1 फरवरी 2023 को मतदान होगा और 3 फरवरी को मतगणना की जाएगी। बिहार में BTET और CTET पास अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में अब उनका साथ BJP देगी। दरअसल BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने BTET और CTET पास अभ्यर्थियों को अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि BJP उनके इस लड़ाई में उनके साथ है। इसके साथ उन्होंने बिहार सरकार को चुनौती भी दी और कहा कि अगर इन अभ्यर्थियों की बहाली नहीं होती है तो हम विधानसभा में जमकर हंगामा करेंगे और सदन को शांति से नहीं चलने देंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, अखिलेश यादव, भान प्रकाश मौर्य, विद्यानंद कुमार, मोहम्मद नौशद राजा, राजकुमार प्रसाद, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में कितनी सफल होगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।